नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार के बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन वचन पत्र की कवायद करने पहुंचे। यहां पर कांग्रेस के जिले भर से आए वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वचन पत्र को लेकर सुझाव दिए गए। उक्त बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह बुंदेला, कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल, मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मेड़ा, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, शहर कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित सभी कांग्रेस के संगठनों के प्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस बैठक में अपेक्षित थे व शामिल हुए। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि यह कांग्रेस की योजना है जो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में लागू की है। शिवराज सिंह चौहान ने नकल की है और नकल में अकल नहीं लगाई। वहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कसा तंज। कहा 1857 की घटना को, जो घटना अभी हुई है उसको देश भूला नहीं है। सिंधिया जी अपनी नाक बचा ले, बाकी खत्म है सिंधिया जी। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में 170 सीट लाने का दावा किया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। कवायद की जा रही है, वचन पत्र को लेकर बात की जा रही है, तो क्या कुछ निकल के आया आज आप लोगों ने? देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी मिला देना चाहता हूँ कि माननीय हमारे जो पीसीसी चीफ हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए जनता को जो वचन देना, उससे संबंधित हम एक वचन पत्र तैयार कर रहे हैं और उसके वचन पत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और प्रभारी मध्य प्रदेश का मैं हूँ। और ये 5 जिलों में मुझे आदरणीय नाथ साहब ने बोला है, बड़वानी जिला है, धार है, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, ये 5 जिलों में जाकर भी अलग अलग जिले बांटे हैं हम लोगों को, संबंधित हमारे पदाधिकारियों को। तो आदरणीय नाथ साहब के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ। वचन पत्र तैयार हो रहा है और वचन पत्र से संबंधित हम लोग उसके सुझाव ले रहे हैं और सुझाव आ रहे हैं, और उससे संबंधित ये धार जिले की आज की बैठक है जिसमें आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष कमल पाटीदार जी हैं, हमारे दोनों विधायक जी अलावा जी हैं, मेड़ा जी हैं, उसके बाद हानी बघेल जी भी आए हैं, प्रताप ग्रेवाल जी भी हैं, और वो हमारे कांग्रेस पार्टी के, मैं समझता हूँ कि लगभग सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम सेक्टर अध्यक्ष और जो विभाग और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, और सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। वचन पत्र हमारा जो तैयार हो रहा है, एक विधानसभा लेवल का होगा, एक जिले लेवल का होगा और एक प्रदेश स्तर का होगा। मान लो कि कोई मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई इश्यू, ऐसा कोई बिंदु जो जिले को कवर करता है, वो जिले से संबंधित होगा, और ऐसा कुछ जो है विधानसभा लेवल तक का, तो वो विधानसभा का होगा। तो इससे संबंधित बैठक मीटिंग हमारी चल रही है और महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, और ये सुझाव आने के बाद हम लोग जो अगली जो बैठक होगी आदरणीय नाथ साहब को, हम इसको जस का तस हम पुट अप कर देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी हर काम को एडवांस टाइम रहते हुए करते हैं। अभी जो विधानसभा के चुनाव का अक्टूबर नवंबर 2023 में वोट पड़ना है, लेकिन उन्होंने अभी तक करीब 5, मेरी जानकारी के हिसाब से 5 मीटिंगें उनकी हो जा चुकी है और बहुत जल्द अब अगली भी बैठक होना है। 5 का जो अनाउंसमेंट आदरणीय नाथ साहब ने जो कर दिया है कि हम हर महिला को हर माह वो 18 साल से लगाकर जो आजीवन महिला जो है, बिना शर्त, बिना कंडीशन के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, 18 वर्ष की जो महिला जो हो गई, उन्हें हम 1500 रुपये महीना हर माह हर महिला को देंगे। एक अनाउंसमेंट आदरणीय नाथ साहब की तरफ से हो जा चुका है। गैस की टंकी, जिस तरह से राजस्थान में हमारी सरकार में 500 रुपये में गैस की टंकी चूल्हे की जो दी जा रही, हम उसको 500 रुपये में देंगे। ऐसे ही जो है ओपीएस से संबंधित अनाउंसमेंट आदरणीय नाथ साहब की तरफ से हो जा चुका है। ओपीएस हम लोग लागू करेंगे, 2-2 लाख रुपए तक का हम फिर कर्ज माफ़ करेंगे किसानों का, जो रेगुलर और डिफाल्टर है उनका भी। तो ऐसी मोटी मोटी जो कुछ जो कमिटमेंट है आदरणीय नाथ साहब की तरफ से आ चुका है। घर की बिजली पहले हमने 100 रुपये में 100 यूनिट दिए थे, लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि हम 100 यूनिट तक मुफ्त में देंगे, 100 यूनिट तक हम कोई बिजली का बिल नहीं लेंगे। खेती की बिजली की बिल को भी और सस्ता करने का चल रहा है। किसानों के खातों में अनुदान राशि भी हम डालेंगे। ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं और इससे संबंधित और इससे हट के भी जो सुझाव आ रहे हैं, जो सर्वहारा वर्ग और सर्वहारा हितेशी हमारा वचन पत्र, वो हम बनाएंगे। आप एक बात बताइए कि एक तरफ कांग्रेस ही कहती है कि ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपये दे रहे हैं और कर्ज लेके घी पी रही है सरकार, तो आप जो इतनी घोषणाएं अपने वचन पत्र में कर रहे हैं, तो उसकी राशि कहाँ से आएगी? आप सुन लीजिए, कमलनाथ जी वो जो लीडर है, कमलनाथ जी अपना खुद का इनकम सोर्स जो जुटाने के तरीके वो जानते हैं, व्यवस्थाएँ जुटाना वो जानते हैं,
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मात्र साल भर की सरकार में 27.5 लाख किसानों का 11.5 हजार करोड़ रुपए हम लोगों ने कर्ज कर दिया, हम लोगों ने कर्जा माफ़ कर दिया था। और आज देखिए इस सरकार का अभी तक 31 मार्च तक 3.41 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हर एक व्यक्ति के ऊपर शिवराज सिंह जी का लिया हुआ कर्जा 41-47 हजार रुपये हो गया है। और ये अक्टूबर तक चुनाव आएंगे जब तक लगभग 3.85 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे हो जाएगा, तो जनता की जो गाड़ी कमाई और जनता का जो खजाना है उस पर असर पड़ रहा है। और तब तक हमारे पर हेड 48 हजार रुपये का कर्जा हो जाएगा। कमलनाथ जी वो लीडर हैं कि किस तरह से रास्ते जुटाए जाते हैं, इनकम सोर्स बनाने के तरीके आदरणीय कमलनाथ जी जानते हैं और उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। जयेश की क्या भूमिका रहेगी काम? जयेश की लीडर ही हमारे साथ अलाओ जी बैठे, पूछ लो उनसे, अब हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयेश में मेरे भी बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी, वो भी जयेश। जयेश में मेरे भी बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी, वो भी जयेश। जयेश मीन्स है जय युवा आदिवासी संगठन, तो वो कोई कांग्रेस को हट के वोट देंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूछ लो आप, कांग्रेस के साथ है। कोई गुटबाजी नहीं, सरकार बनाने में सब एक है। ध्यान रखना भी यहाँ पर ये चीज आई है कि 7 में से 5 विधानसभा तो हमारे पास है। अब हम धार भी जीतेंगे, बदनावर भी जीतेंगे और ये हमारे सब सारे एमएलए भी रिपीट होंगे। हम 7 सीट धार में जीतेंगे। कांग्रेस की ओर से नहीं, कोई दो प्रोग्राम नहीं, एक ही प्रोग्राम है। जिला कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कार्यक्रम है और एक ही प्रोग्राम है। वो जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं और सारे जो कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए आए हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और सभी उपस्थित यहाँ पर एक बैठक है। कौन वो कहीं लगे होंगे कार्यक्रम में, कहीं होंगे प्रोग्राम में होंगे, उनके भी लोग आए हैं, उनके भी लोग आए हैं जी। एक सवाल ये था कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष बदल चुका है कांग्रेस का जी, लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 कार्यालय क्यों संचालित हो रहे हैं? नहीं देखो जी, जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय ये है और यहाँ बैठक चल रही है और ये विधिवत तरीके से मीटिंगें चल रही है, चालू कार्यक्रम कार्यालय चल भी रहा है। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ता देखते थे और मीटिंग वहाँ होती थी, अब वो पहले जो हुआ हो। अभी जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम तो आपको वचन पत्र की बात कहने आए हैं, वचन पत्र से संबंधित या अन्य और भी कोई मुद्दे हो ये हो जा चुका है। और कोई बात, टिकट वितरण का मापदंड क्या है? किसका टिकट वितरण विधानसभा में टिकट वितरण के क्या मापदंड? जो विनर हो, जो जीतने वाला हो, जो जीतेगा हो, वो क्षेत्र की जनता की मांग हो, वोटर की मांग हो, मतदाता की मांग हो, वो कमलनाथ जी का सर्वे हो, कमलनाथ जी के सर्वे में जीतने वाला, कांग्रेस पार्टी के सर्वे में जो जीतने वाला आएगा वो टिकट का पैमाना होगा, जिसमें सब मिल के आदरणीय कमलनाथ जी के अलावा जो ऊपर जो है दिल्ली में हमारी हाई कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय जो नेता है जो मिल के, लेकिन उन सब के ऊपर मैं समझता हूँ कि जनता का जो फीडबैक कि कौन विनर है, कौन जीतने वाला हो, वो उम्मीदवार होगा कांग्रेस का। दिग्विजय सिंह जी की मेन भूमिका रहेगी। दिग्विजय सिंह जी का जीता जो आइडिया है, मैं उनके 10 साल की टर्म में मैं 10 साल रहा हूँ, 5 साल में मिनिस्टर रहा हूँ, 5 साल में उनके साथ में एमएलए रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी के हर गांव में, हर बूथ पे, हर ब्लॉक पे लोग हैं और दिग्विजय सिंह जी की मेन भूमिका रहेगी। हमारे लीडर आदरणीय कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह जी भी हमारे नेता है। टिकट फाइनल दिग्विजय सिंह जी करेंगे, पार्टी करेगी, टिकट जो है वो पार्टी करेगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनता की मांग होगी, जीतेगा कौन, वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, जिसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व। सुन लीजिए आप, ये हमारी नकल है। हमने मध्य प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कैंपेनिंग में प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। और देखिए फर्स्ट कैबिनेट में हमने 1500 रुपये महीना देना शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह जी ने हमारी नकल की, लेकिन नकल में भी पूरी अकल नहीं उनकी लगी है। हमारी देन है 1500 रुपये की और इसीलिए हमने हिमाचल में शुरू किया है। अब हम आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम कर देंगे, हर महिला को देंगे, हर माँ देंगे और 1500 रुपये देंगे। वो रही जितना बाउंडेड कर रहे हैं, जितनी कंडीशन, जितनी शर्तें लगा रहे हैं, हम बिना शर्त के देंगे। और ये अनाउंसमेंट हमारे लीडर आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से अनाउंसमेंट हो जा चुका है। योजनाओं के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, चरित्र को लेकर भी काफ़ी आक्षेप लग रहे हैं कांग्रेस के। सिंधिया जी जैसे सीनियर लीडर ने कहा है कांग्रेस देशद्रोह पार्टी है, इस मामले में आपके मंत्री क्या? वो 1857 की घटना को देश भुला थोड़ी है, कौन क्या है, वो 1857 की घटना और अभी ये जो घटना हुई देश भुला नहीं है।
सिंधिया जी की हालत उनके क्षेत्र में क्या हो गई है, भिंड और चंबल में, चंबल और ग्वालियर संभाग में उनकी स्थिति क्या हो गई है। 34 में से एकाध सीट भी जीत जाए तो उनकी नाक बच जाएगी, बाकी खत्म है सिंधिया जी। बदनावर में शरद सिसोदिया जो अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं कांग्रेस का, तो ऐसा माना जाए कि उनका नहीं, बिल्कुल ये पार्टी तय करना है, कांग्रेस को तय करना और मतदाताओं की बड़ी बड़ी मोटी मोटी राय पे कि कौन विनर हो सकता है वो तय होना, वो मापदंड पे मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं केवल आज वचन पत्र कमेटी के लिए और उससे संबंधित मैं आया हूँ, इसको तय करना हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। पिछले वचन पत्र में किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा जो एक विषय था, जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और आपकी सरकार आई थी, क्या इस बार भी 2 लाख की कर्ज माफी है? बिल्कुल अनाउंसमेंट हो गया, 1 तारीख को बोराओं में आदरणीय नाथ साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि फिर हम पिछली बार की तर्ज पे 2 लाख रुपए हर एक किसानों का, कोऑपरेटिव बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, सोसाइटियों का 2 लाख रुपए तक का रेगुलर और डिफाल्टर दोनों कर्जा माफ करेंगे, 2-2 लाख रुपए तक का। सरकार ने पिछली बार किसानों के अतिरिक्त जो महिलाओं के समूह लोन थे वो माफ करने की बात कही थी, एक भी महिला का समूह लोन माफ नहीं हुआ किसानों के, उसकी हमारी तैयारी हो जा चुकी थी और उससे संबंधित अभी हम इस पे विचार चल रहा है, बहुत जल्द इस पे हमारे वचन पत्र में आने वाला है। जो जिस तरह से कमलनाथ जी ने 15 माह में जो सरकार चलाई और लोगों का ध्यान खींचा है, कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री के पद की पसंद की मध्य प्रदेश की जनता है, मतदाताओं की पसंद की मध्य प्रदेश की जनता है, हम लगभग 170 से ऊपर सीटें लाएंगे। धन्यवाद।